नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द एडवांस इन वेटनरी वायरोलॉजी वी एम सी सिक्स जीरो सिक्स क्रेडिट ऑवर टू प्लस वन द टॉपिक फ्रॉम यूनिट सेकेंड एंड द टॉपिक इज द वायरल विरुलेंस तो यह वायरल विरुलेंस अब हम इस सब्जेक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे तो so, जो वायरस वरुलेंस है ये है अभी मर्फी की बुक में डिटर्मिनेट्स ऑफ वायरल वेरुलेंस एंड होस्ट रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी इस बुक से हम पढ़ेंगे वायरस के वेरुलेंस के बारे में तो वायरस का वेरुलेंस जो होता है बेसिकली वो क्वांटिटेटिव होता है और रिलेटिवली uh, मेज़र किया जाता है है ना ऑफ द पैथोजेनेसिटी ऑफ द इन्फेक्टिंग वायरस यानी कि कोई वायरस किसी भी एनिमल uh, को कि uh, उस कितनी पैथोजेनिसिटी के साथ में वो अफेक्ट करता है वो उसका विरोलेंस है तो हो सकता है कंपेरेटिव अगर हम करें जैसे रिलेटिव मेजर लिखा है तो दो वायरस का कंपेरिजन करें तो एक वायरस का पैथोजेनिसिटी ज़्यादा होगा एक का कम होगा तो हम बोलेंगे कि जिसका ज़्यादा है उसका विरोलेंस ज़्यादा है तो द टर्म ऑफ विरोलेंस इज़ यूज एज ए क्वान्टिटेटिव और रिलेटिव मेजर ऑफ द पैथोजेनिसिटी ऑफ द इन्फेक्टिंग वायरस पैथोजेनिसिटी एंड विरुलेंस टर्म जो है रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ वायरस टू कॉज डिसीज़ कि वो वायरस कितना अच्छे से कितना ज़्यादा डिसीज़ कर सकता है वो उसकी पैथोजेनिसिटी है लेकिन जब उसको हम रिलेटिवली मेजर करते हैं किसी दूसरे वायरस से तो वो उसकी विरुलेंस है कि आखिर वो कितना विरुलेंट है क्या वो किसी दूसरे के कंपेरिजन में ज़्यादा विरुलेंट है या किसी दूसरे वायरस के कम्पेरिजन में कम विरुलेंट है नॉट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इन्फेक्शियसनेस ये उसकी इन्फिक्शियसनेस का कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना ही कोई किसी ट्रांसमिशबिलिटी को या ट्रांसमिशबिलिटी uh, uh, को शो करता है तो अल्टीमेटली विरोलेंस क्या होता है वरुलेंस होता है किसी भी वायरस का रिलेटिव मेजर ऑफ पैथोजनिसिटी ओके रिलेटिव मेजर ऑफ पैथोजनिसिटी तो विरोलेंस डिपेंड करता है होस्ट पर भी और वायरस uh, पर भी सपोज़ कीजिए कि होस्ट का रेजिस्टेंस अच्छा है uh, या उसका ससेप्टिबिलिटी कम है है ना तो मल्टी फैक्टोरल होस्ट में होता है ये मल्टीफेक्टोरल कि होस्ट कितना एक्सेप्ट कर सकता है वायरस को या कितना रिजेक्ट कर सकता है वैसे ही मल्टीजेनिक होता है वायरस कि वायरस की uh, जो विरलेंस uh, करने की जो कैपेबिलिटी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है क्या वायरस के पास होस्ट सेल के रिसेप्टर के अगेंस्ट में लिगेंड है क्या वायरस किसी होस्ट सेल को काउंट्रैक्ट कर सकता है क्या वायरस में आ, होस्ट के अंदर डिफेंस मेकनिज़म को बियर करने की कैपेसिटी है क्या वो होस्ट डिफेंस सिस्टम को इन्हा वो इनहिबिट कर सकता है सप्रेस कर सकता है ये मल्टीजेनिक नेचर होता है वायरस का तो The virus strand uh, differences may be quantitative involving the rate and yield of virus replication, the number of cell infected in a given. तो क्या वायरस एक गिवन ऑर्गन में अच्छे से सेल को इन्फेक्ट कर सकता है और दे में भी क्वालिफाइड क्वालिटेटिव इन्वॉल्विंग द ऑर्गन और टिश्यू ट्रॉपिज्म क्या वायरस का बहुत अच्छा टिश्यू ट्रॉपिज्म है लेवल ऑफ होस्ट सेल डैमेज ज़्यादा करता है मोड ऑफ इफिकेसी ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द बॉडी वन टू अदर ये ज़्यादा अच्छा है या कैरेक्टर ऑफ डिसीज डिसीज़ की पैसेजेंसिटी कैसी है ये सब देख देखा जाता है मल्टीजेनिक में मल्टीफैक्टोरियल में जो होस्ट में देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जो होस्ट है उसका एज कैसा है न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना है अदर हारमोनल फैक्टर्स कैसे हैं मैनी अदर फैक्टर्स देखे जाते हैं इसके अलावा उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है फिजोलॉजिकल फैक्टर लाइक ये जितने भी फैक्टर होते हैं ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल होते हैं इसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट कैसा है क्या आपने उसको वैक्सीनेशन दिया है अगर दिया हुआ है तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाता है तो इस हिसाब से होस्ट का और वायरस का दोनों का ही मल्टीजेनिक uh, और मल्टीफेक्टोरियल कैरेक्टर देखा जाता है नाउ नेक्स्ट हम आते हैं असेसमेंट ऑफ वायरल विरुलेंस तो वायरस का जो विरुलेंस का असेसमेंट है वो हम तीन मेथड से करते हैं पहला मेथड होता है कि द डोज ऑफ वायरस रिक्वायर्ड टू कॉज डेथ पहले इसमें हम ये समझ लेते हैं कि एल डी फिफ्टी क्या है एल डी फिफ्टी वो है जब अगर हम वायरस दे रहे हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज डेथ इन फिफ्टी परसेंट ऑफ एनिमल्स तो अगर ऐसे वायरस दिए कि लगभग पचास प्रतिशत पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसको हम एल डी फिफ्टी कहते हैं ठीक है और ऐसे ही एक आई डी फिफ्टी होता है आई डी फिफ्टी का मतलब होता है कि वायरस का इतना डोज पर्टिकुलर स्ट्रेन का कि उससे फिफ्टी परसेंट एनिमल जो है इन्फेक्ट हो जाएं तो ये हो गया आपका इन्फेक्शस डोज अब वायरस का विरुलेंस क्या होता है इसका असेसमेंट हम करते हैं आई डी फिफ्टी अपॉन एल डी फिफ्टी रेशियो से आई डी फिफ्टी ऊपर आता है एल डी फिफ्टी नीचे आता है तो लीथल डोज हमेशा ज़्यादा होगा इन्फेक्टिव डोज हमेशा कम होगा यानी कि वायरस का जो विरुलेंस है वो हमेशा पॉइंट में आएगा तो वायरस विरुलेंस कैन बी मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ डोज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ वायरस दैट कॉज द इन्फेक्शन इन फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडिविजुअल यानी कि इन्फेक्शस डोज टू द डोज दैट किल्स फिफ्टी परसेंट ऑफ एंडिज तो ये कहलाता है वायरस वेरुलेंस है ना इसको हम मेजर करते हैं आई डी फिफ्टी अपॉन एल डी फिफ्टी से द रेशियो ऑफ आई डी फिफ्टी टू एल डी फिफ्टी तो पहला मेजरमेंट ये दूसरा मेजरमेंट कैसे करते हैं कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल रीजन से कि वो वायरस कितना वेरुलेंट था उसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल रीजन चेक करेंगे दिविरिटी एंड लोकेशन ऑफ लीजन चेक करेंगे इवन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल पैथोजेनिक कोई चेंज आया है पैथोलॉजिकल चेंज आया उसको चेक करेंगे इसके बाद तीसरा जो मेथड होता है वो होता है वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल एनिमल हर इंडिविजुअल एनिमल का रिस्पॉन्स अलग होता है मान लीजिए इक्वाइन इस्टर्न इक्वाइन इंसिफ्लाइटिस है तो किसी हॉर्स की तो डेथ हो जाएगी पर हो सकता है कि किसी हॉर्स की डेथ ना हो तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन होता है एनिमल टू एनिमल तो इससे भी हम जो वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल एनिमल इसमें हम चेक करेंगे तो ये तीन मेथड्स होती हैं किसी भी वायरस की विरुलेंस को चेक करने की नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेट्स ऑफ वायरल विरोलेंस वायरस की डिटर्मिनेशन के लिए जो सेगमेंटेड जिनोम होते हैं जैसे ऑथर वायरस का बनिया वायरस का एरीना का इसके बाद रियो वायरसेस का और बिरना वायरसेस का ये एक अच्छे मॉडल हो सकते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें इजीली रीअसॉर्टमेंट हो जाता है और जितने भी जिनोम हैं ईच सेगमेंट ऑफ़ द जिनोम ऑफ दिस वायरस इज इक्वल टू वन जीन इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस सेगमेंटेड जिनोम में एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो पेरेंट्रल वायरसेस से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं हो सकता है कि उनमें फिनोटिपिकली uh, वो डिफरेंट हो यानी कि जिनोम एक का हो और फिनोटाइप दूसरे का हो है ना ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए ऑर्थ्रोमिक्गजो वायरस और पैरामिक्जो वायरस को आपस में मिलाया तो पता चल रहा है कि अंदर से ऑर्थ्रोमिक्जो वायरस की जीन है और बाहर जो कैप्सिड है वो पैरामिक्जोवेरिडी का है तो ये जेनेटिक रियसोटमेंट के साथ साथ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं तो इस बेसिस पर भी हम वायरस का वेरलेंसी चेक करते हैं साथ में ये भी देखा जा सकता है कि जैसे हम कंपेरेटिवली दो वायरसेस का आपस में पैथोजेसिटी पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्शन अगर चेक करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा वायरस ज़्यादा विरुलेंट कैरेक्टर का है है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रियो वायरस वन और रियो वायरस थ्री का एग्ज़ाम्पल लें तो इसके जीन एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि क्या रियो वायरस वन ज़्यादा विरुलेंट है या विर, रियो वायरस थ्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विरुलेंट है वेरुलेंस का पता एक तरीके से और भी लगाया जा सकता है कि हम जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सीक्वेंसिंग कर लें और सीक्वेंसिंग करने पर हमें पता चल जाए कि ये जो वाइल्ड टाइप का वायरस है और ये जो है एवेरेंट वायरस वैक्सीन टाइप का है तो वैक्सीन में और वाइल्ड में दोनों में हम डिफ्रेंसीशन कर पाएंगे या फिर इससे हम पता लगा पाएंगे कि जो एम्यूनो एसिड में चेंज आया है वो किसके कारण आया है क्या वो व्यूलेंस के कारण आया है या वो एटेनियेशन के कारण आया है तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है हर्पीज़ वायरस में भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन रखते हैं यानी बहुत लंबे समय तक वो हर्पीज़ वायरस बने रहते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है हर्पीज़ वायरस लेटेंट इन्फेक्शन भी रखते हैं और इसके अलावा वो रिक्रूडेसेंट रिक्रूडेसेंस uh, भी रखते हैं तो ऐसा क्यों होता है इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम विरुलेंस के थ्रू पता लगा सकते हैं रिक्रूडेसेंस का मतलब होता है कि वो बहुत समय तक लेटेंट कंडीशन में रहें और अचानक वो इन्फेक्शन शो होने लग जाए दिखने लग जाए इसी टाइप की स्टडी रिट्रो वायरसेस पर भी की जा सकती है क्योंकि जो रिट्रो वायरसेस जो होते हैं वो सेल cell के सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्यों क्योंकि ये जो रिट्रो वायरसेस हैं ये प्रो वायरस बनाते हैं और सेल के ही क्रोमोसोम में बने रहते हैं तो सेल ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं साथ में ऑंकोजेनेसिस, यानी कि ट्यूमर प्रोडक्शन भी करते हैं बहुत सारे वायरसेस अपना विरुलेंस क्रिएट करने के लिए होस्ट सेल में एंट्री कैसे करते हैं होस्ट सेल में रेप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका खुद का जिनोम कैसे रेप्लिकेट होता है होस्ट सेल में कैसे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं कैसे असेंबली करते हैं और कैसे अपनी पैकेजिंग करके बाहर आते हैं ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, है समझने के लिए सेकेंड क्लास वायरस सेकेंड क्लास ये भी है कि जो वायरल जीन्स होते हैं वो किस टाइप से होस्ट की जो सेलुलर मशीनरी है उसको डाउन रेगुलेट करते हैं उसको डिप्रेस करते हैं और खुद के जो जीन्स हैं उसको कैसे वो अप रेगुलेट करते हैं उसका कैसे एक्सप्रेशन करते हैं ये भी बहुत समझने वाली बात है इसके बाद में वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो वायरोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जिसका ना तो कोई स्ट्रक्चरल लेना देना है ना ही कोई नॉन स्ट्रक्चरल लेना देना है वायरोकाइंस बेसिकली वायरस प्रोड्यू वायरस से प्रोड्यूस होने वाले सबस्टेंस हैं केमिकल्स हैं जो कि या प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली होस्ट इम्यून सिस्टम के मॉड्यूलेट uh, करने के काम आते हैं या होस्ट सेल इम्यून सिस्टम को डिप्रेस uh, करने के सप्रेस करने के काम आते हैं जैसे कि एम एस सी सेकेंड एक्सप्रेशन को डिप्रेस करेंगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को डिप्रेस करेंगे तो वायरोकाइंस कहाँ से रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड सेल्स से और एक्ट किसके ऊपर करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं ठीक है तो वायरोइंस का बहुत बड़ा रोल है जब भी कोई वायरस इन्फेक्टेड होता है सेल इन्फेक्टेड होती है किसी वायरस से तो वो वायरोकाइंस प्रोड्यूस करती है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ वायरल विरुलेंस में अब हम बात करेंगे वायरल ट्रॉपिज्म की वायरस के डिसमिनेशन की वायरस के रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन तो जो भी वायरसेस होते हैं वो किसी होस्ट के स्पेसिफिक होते हैं और किसी टिश्यू के स्पेसिफिक होते हैं तो ये जो स्पेसिफिसिटी है इसको ही हम ट्रॉपिज्म कहते हैं किसी होस्ट पर्टिकुलर से वो ही वो बाइंड होते हैं सपोज कीजिए अगर इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस है तो वो इक्वाइन को ही अफेक्ट करेगी वो डॉग को अफेक्ट नहीं करेगी ऐसे ही टिश्यू ट्रॉपिज़म होता है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो रिस्पायरेटरी पेसेज में ही इन्फेक्शन करेगा वो लीवर को डैमेज नहीं करेगा तो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रॉपिज्म होता है जिसके कारण वायरस जो होते हैं सर्वाइव करते हैं जो टिश्यू या ऑर्गन ट्रॉपिज्म होता है वो बेसिकली वायरस से एक्सप्रेशन होने वाले जीन्स के कारण होता है और जो सेल हैं उसके ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंडिंग के कारण होता है तो वायरस कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशन uh, वाले प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि एज ए लिगेंड काम करते हैं और वो सेल के जो सरफेस के जो प्रोटीन्स हैं उस पर एज ए रिसेप्टर जो है बाइंड uh, हो जाते हैं तो जो सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के ऊपर पाए जाने वाले होते हैं और जो लिगेंड्स होते हैं वो वायरस के ऊपर पाए जाने वाले होते हैं तो ये जो लिगेंड और रिसेप्टर का इंट्रेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कोई वायरस हर किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता तो रेप्लिकेशन में एक सक्सेसफुल अटैचमेंट होना उसके बाद में आ, उस वायरस की एंट्री होना वायरस की एंट्री होने के बाद में क्लिनिकल साइन प्रोड्यूस करना फिर वायरस का वापस से शेडिंग करना एपिकल सरफेस से शेड करना या बेसोलेटरल सरफेस से शेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ऐसे एक लिस्ट है इसमें जो हमें ये बताएगी कि वायरस का कौन सा आ, जो कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो सेल्युलर रिसेप्टर के साथ में बाइंड होते हैं तो अलग अलग सेलुलर रिसेप्टर्स हैं जिसके साथ में वायरस की बाइंडिंग होती है ये वायरस और सेलुलर इंट्रेक्शन हम पहले भी रेप्ली वायरल एप्लीकेशन के वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने होस्ट सेल रिसेप्टर और वायरस के आ, बारे में आ, एक टेबल में बताया था तो डिफरेंट टाइप के वायरसेस जैसे वैक्सीनिया वायरस है वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वन से बाइंड होता है बोवाइन हर्पिस वायरस वन एंड फोर जो है वो हिपेरन सल्फेट से बाइंड होता है सीडोरेबिस भी जो है हिपेरन सल्फेट से बाइंड होता है तो हर्पीज वेडी के जो आ, हैं मेंबर वो हिपेरन सल्फेट से बाइंड होते हैं म्यूराइन साइटोमेगालो वायरस जो होता है मेजर एस्टोकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से बाइंड होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हिपेरन सल्फेट से बाइंड होता है मतलब ऑलमोस्ट जो हर्पीज वायरसेस हैं वो हिपेरन सल्फेट से बाइंड होते हैं ठीक है एडिनोवेडी की बात करें तो ह्यूमन एडिनोवायरस जो होता है उसके स्पेसिफिक इंटीग्रीन्स होते हैं तो ऐसे ही से हमारे पिकोलना वायरस में एप्थो वायरस जो फूट एंड माउथ डिसीज़ वायरस है वो भी इंटीग्रीन से ही बाइंड होता है लेकिन फूट एंड माउथ डिसीज़ का जो वाइल्ड टाइप है वही इंटीग्रीन से बाइंड होता है जो फूट एंड माउथ डिसीज़ का जो सेल पसाज वायरस है वो इंटीग्रीन से बाइंड नहीं होता उसका जो रिसेप्टर है वो भी मैंने आपको उस समय बताया था इसको आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं इसके बाद जो ये सेल रेप्लीकेशन वायरल रेप्लीकेशन के वीडियो में देख सकते हैं नेक्स्ट है पेपोवेडी जिसमें पोलियोमा वायरस आता है पोलियोमा वायरस जो होता है सीएलिक uh, एसिड के साथ बैंड होता है है ना ये सीएलिक एसिड यहाँ पोलियोमा वायरस के लिए भी यूज़ हो रहा है और इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए भी यूज़ हो रहा है पारवा वायरस में केनाइन पार्वा वायरस टू आता है वो भी सीएलिक एसिड के साथ बैंड होता है इसके बाद रिट्रो वायरस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एच वायरस होता है वो सी से बाइंड होता है फेलाइन इन्फिक्शियस फेलाइन एमेरोडेफिशेंसी वायरस भी जो होता है वो सी डी फोर से ही बाइंड होता है रियो रियोवरीडी में रियो वायरस थ्री आता है ये बीटा एड्रजिक रिसेप्टर एंड सी एसिड से बाइंड होता है ठीक है इसके बाद में पैरामिक्जोवेडी दिचे दिचे में पेरा इन्फ्लुन्जा सी एसिड से बाइंड होता है फिर रेपडोविरीडी में रेबिस वायरस जो होता है एसिडाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद ऑर्थ्रोमिक्सो का बता दिया मैंने आपको सीएल के सीएलिकसिड से बाइंड होता है एरिना एरिनाविडी में लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनजाइटिस वायरस जो होता है वो हल्ट्रेड हंड्रेड किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होता है कोरोना वायरस में ट्रांसमिसिबल गेस्ट्रेनिस ये स्वाइन में मिलती है ये पोलसाइन की एमिनो एमिनोपेप्टाइडिस एन से बाइंड होता है एमिनो एमिनोपेप्टिस एन से बाइंड होता है बोवाइन कोरोना वायरस जो होता है वो एसिड से ही बाइंड होता है ठीक है तो ये एसिड वैसे कॉमन है माउस हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो आ, ये भी कोरोना वायरस में आता है और माउस में हेपेटाइटिस करता है ये ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन फैमिली यानी इम्यूनोलिन सुपर फैमिली के साथ बैंड होता है एफ का मैंने आपको बताया इंटीग्रीनस के साथ बैंड होता है पर ये याद रखना है कि ये इसका जो ये वाइल्ड वाला है वो ही इंटीग्रीन के साथ बैंड होता है जो एफ सेल पसाजे वो जिससे बाइंड होता है उसको मैं यहाँ लिखूंगा अभी बाद में पोलियो वायरस जो होते हैं पोलियो वायरस पोलियो वायरस रिसेप्टर जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के वायरसेस हैं ये पोलियो वायरस एंटरो वायरस में आता है ये आपको पता होगा ओके एंटरो वायरस में पोलियो वायरस आता है पिकोना विडी में की बी वायरस जो होता है वो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के साथ बाइंड होता है इको वायरस जो है डीके एक्सिलोरेटिंग फैक्टर एंड एंटीग्रीन के साथ बैंड होता है राइनो वायरस आई सी एम रॉनो वायरस इंपॉर्टेंट है ह्यूमन का होता है ये आई सी एम के साथ बैंड होता है ये भी इमिनोग्लोरिन uh, सुपरफेमिली है सिंडबिस वायरस जो है लेमिनार रिसेप्टर के साथ लेमिन uh, रिसेप्टर के साथ बैंड होता है सेमिलिकी फॉरेस्ट वायरस जो होता है एच एल एच टू के और एच टू डी प्रोटीन के साथ बैंड होता है तो सिमलिस फॉरेस्ट वायरस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत सारी जगह एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये टोगो वेरिडी में आता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है तो जो एफ एम डी सेल पसाज वायरस जो होता है वो बेसिकली हिपेरन सल्फेट प्रोटिग्लाइकिन के साथ बैंड होता है इंटीग्रीन के साथ बैंड नहीं होता वो ये याद रखना ऐसे ही अगर माउस हिपेटाइटिस वायरस की बात करें तो ये कोरोना वरीडी का एक वायरस है जो कि माउस को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इससे बहुत जल्दी माइस की डेथ हो जाती है और डीपॉपुलेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना फैमिली का माउस हेपेटाइटिस वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट होता है इसमें जो वाइल्ड टाइप देखा गया है वो ये है कि माउस की लीवर सेल में आ, आ, रेप्लिकेट इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एंड लीथल डायरिया करता है तो ये इसका एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइनल सेल्स के साथ ट्रॉपिज्म बहुत ज़्यादा होता है इसके बाद में ये स्प्रेड करता है वेरी इफ़िंटली इसके अलावा हिपेटोसाइट्स के साथ भी इसका ट्रॉपिज्म होता है इसलिए इसका नाम दिया गया है माउस हिपेटाइटिस वायरस इसका एक दूसरा स्ट्रेन और आया है वो क्या करता है वो ऑलिगोडेंडोगलिया में एक्यूट फेटल इंसिप्रोमाइटिस करता है और न्यूरोनल डिजनरेशन या न्यूरोनल डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन करता है नर्व का डैमेज होगा तो डेफिनेटली uh, uh, ये बेसिकली न्यूरोट्रोपिज़म शो करता है और इससे डेथ uh, नहीं होती इससे केवल पैरालिसिस हो जाता है तो इससे uh, जो लिम्ब है उसका पैरालिसिस होता है किस में माउस के केस में और ये पर्सिस्टेंट बना रहता है और ओलीगोडेंड्रोग्लिया में ओलीगोडेंड्रोग्लिया में बना रहता है ठीक है तो माउस हेपेटाइटिस वायरस की दो स्ट्रेन हो गई पहला वाइल्ड स्ट्रेन हो गई जिसके ट्रॉपिज़म जो है इंटेस्टनल एपिथिलियम में मिलती है और साथ में जो है हेपेटोसाइट्स में मिलती है जिससे डेथ होती है लेकिन इसी का दूसरा स्ट्रेन जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर ये केवल ऑलिगोडेंड्रोगलिया में परसिस्टेंट इन्फेक्शन कर रहा है और न्यूरो शो कर रहा है यहाँ किलिंग नहीं कर रहा यहाँ पर सिर्फ हैंडलिम पैरालिसिस कर रहा है तो जो वायरसेस हैं वो खुद को विरोलेंट बनाने के लिए बहुत सारी मेकनिज़म फॉलो करते हैं तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो इम्यून सिस्टम को डिफेंड करते हैं या इम्यून सिस्टम में ही रहते हैं जैसे टी इम्फोसाइट्स में कौन कौन रहते हैं बहुत अच्छी टेबल है इसको याद रखना है टी इम्फोसाइट्स में फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस जो कि रिट्रोविडी में आता है अल्फा गामा रिट्रोविडी में फेलाइन इम्यूनडिफिशेंसी वायरस भी रिट्रोविडी में सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस भी रिट्रोवेडी में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये भी रिट्रोवरिडी में तो टी रिटर रिट्रोवेडी रिट्रो के बहुत सारे फैमिली के मेंबर ऐसे हैं जो टी लिम्फोसाइट को भी अफेक्ट करते हैं बी को भी अफेक्ट करते हैं मोनोसाइट्स को भी अफेक्ट करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं केवल रिटरो की ही बात करें तो सीमियन टाइप डी बी लिम्फोसाइट्स में म्यूराइन ल्यूकेमिया वायरस बी लिम्फोसाइट्स में और इसके बाद मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो मेडिविस्ना जो होता है मोनोसाइट्स में फिर केप्राइन आर्थराइटिस इंसिफलाइटिस वायरस ये जो है ये भी मोनोसाइट्स में फिर इसके बाद में ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडिफिशंसी वायरस डेंड्राइटिक सेल्स में तो इस हिसाब से जो एच है वो टी और डेंड्राइटिक सेल दोनों में ही मिलेगा रिटरो के बाद में बात करते हैं हर्पीज़ वायरस की तो इक्वाइन हर्पीज़ वायरस इक्वाइन हर्पिज़ वायरस टू ये जो है बी uh, सेल्स में इसके बाद हर्पीज़ वायरस में और एक बार वायरस जो कि बी सेल्स में देन हर्पीज़ वीडी में साइटोमेगल वायरस जो कि मोनोसाइट्स में मिलता है और हर्पिज़ uh, जो साइटोमेगाल वायरस है वो मोनोसाइट्स के साथ साथ स्ट्रोमल सेल्स ऑफ लिम्फोरेटिकुलर टिश्यूज़ में भी मिलता है पैरामिक्जोवेडी की बात करें तो पेरामिक्सो वायरसेस जैसे कैनाइन डिस्टेम पर मोनोसाइट्स को अफेक्ट करता है और uh, इसके बाद जो पैरा इन्फ्लुन्जा वायरस है केटल ह्यूमन और सेवरल अदर होस्ट तो ये भी मोनोसाइट को अफेक्ट करता है इसके बाद में हम uh, बिरना वायरस की बात करें तो बिरना वायरस जो होता है बी इम्फोसाइट को अफेक्ट करता है जिसमें इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज वायरस फाउल की बहुत इंपॉर्टेंट है फिर इन्फेक्शियस नेक्रोटिक पेंक्रेटिक, नेक्रोटिक वायरस ऑफ फिश आ, ये भी बिरना वायरस की डिसीज़ है इसके बाद हम टोगाविरीडी की बात करें तो टोगाविरीडी फैमिली से मोनोसाइट्स को अफेक्ट करने वाला वेनोजन इंसेफ्लाइट इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस है और ये वेनेजुएलन मोनोसाइट्स के साथ साथ डेंड्राइटिक सेल को भी इफेक्ट करता है टोगा तो के बाद एरिना की बात करें तो एरिना में सबसे पहला जैसे लिम्फोसटिक कोरियोमेनजाइटिस वायरस जो कि डेंड्राइटिक सेल में मिलता है ठीक है इसके बाद बोलना डिसीज़ की बात करें तो बोलना डिसीज़ जो है ये स्ट्रोमल सेल और लिम्फोरेटिकुलर सेल्स में मिलती है तो ये जो लिस्ट uh, है ये इम्पॉर्टेंट है इसमें इम्यून सिस्टम की सारी की सारी सेल्स जो अफेक्ट हो रही हैं वो किस किस वायरस से हो रही हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखना है ऑर्थ्रोमिक्जो वायरस एक ये रह गया है ऑर्थ्रोमिक्जो वायरस से इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि मोनोसाइट्स को अफेक्ट करता है ओके okay? तो वायरस डिसमिनेशन के लिए अलग अलग रूट्स लेता है हो सकता है कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो ब्लड बैन बेरियर को क्रॉस करके ब्रेन uh, में पहुंचते हैं ब्रेन की कैपिलरीज में पहुंचते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे हर्पीज़ वायरस है रेबीज़ है ये नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं और इनका डिसमिनेशन होता है न्यूरल न्यूरोनल लूट से न्यूरल दूध से है ना जैसा सिडोरेबिस वायरस है और बी वायरस हैं, ये नर्व के रूट्स से डिसेमिनेट होते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक है वायरल इन्हांसर प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड रेजिस्टेंस ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन तो वायरल इन्हांसर्स बेसिकली क्या होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहानस करने के लिए ऐसे जीन हैं जो कि जीन एक्टिवेटर्स हैं बेसिकली जीन को एक्टिवेट करते हैं ये इन्हांसर बेसिकली क्या है इनहानसर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं जो कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है है ना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को प्रमोटर से बाइंड होने के लिए है ना इन्हांस करते हैं तो इनहानसर ऐसे जीन एक्टिवेटर हैं और जो कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन सेकंड यानी कि जो ट्रांसक्रिप्टेज है उसको प्रमोटर से बाइंड होने के लिए इन्हांस करते हैं इसलिए इनको इन्हांसर कहते हैं ये अभी तक रिट्रो वायरस हर्पीज वायरस और हिपेटना वायरस में ही देखे गए हैं और इसका डिटेल स्टडी यहाँ किया गया है नाउ नेक्स्ट आते हैं वायरोइंस क्या हैं तो वायरोइंस रेप्लिकेशन में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं ये आ, ये इंफ्लुएंस द पैथोजेनिस ऑफ इन्फेक्शन किसी भी वायरस की पैथोजेनेसिस को बढ़ाते हैं कैसे बढ़ाते हैं ये बाय सेब्रोगेटिंग द बॉडी इन नेट रजिस्टेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे भी करके इन नेटिस रजिस्टेंस को इम्यून रिस्पॉन्स को कम करके इसका मतलब क्या है कि जो वायरोस हैं वो हो सकता है कि दे आर द इनिविटर्स ऑफ टी सेल साइटोटॉक्सिसिटी दैट बाइंड नेसेंट क्लास फर्स्ट एम एस सी प्रोटीन तो आपको पता है कि ए पी सी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एम एस सी क्लास वन के साथ में होता है और वो एंटीजन लेकर के आता है वो टी सेल साइटोटॉक्सिक सेल के पास जाता है और साइटोटॉक्सिक सेल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है तो इसके एक्टिवेशन को रोकने के लिए uh, ये एम एस सी क्लास फर्स्ट से वायरोइाइन बाइंड हो जाता है दूसरा ऐसे इन, इन वायरोइंस होते हैं जो कि इन्हीविटर हैं ऑफ़ साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन वन इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन गामा ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर अल्फा के ये इनिबिट करते हैं कम्प्लीमेंट कैसकेट को भी वायरोइंस इन्हीबिट करते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोलाइसिस यानी एडी के लिए भी ठीक है साइटोकाइंस की मिमिक्री भी करते हैं वायरोइंस जैसे इंटरल्यूकिन टेन की मिमिक्री देखने को मिली है तो ये जो वायरोइंस हैं Uh, कितनी बार साइटोकाइन के रिसेप्टर की तरह मेमिक्री करते हैं या फिर साइटोकाइंस की तरह मेमिक्री करते हैं uh, अभी तक पॉक्स वायरस में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन वन के अगेंस्ट में या इसी से मिमिक्री करने वाले वायरोइंस मिले हैं तो ये एक एग्जांपल है पॉक्स में कि ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा इंटरफेरॉन गामा इंटरलोकिन वन के जैसा वायरोकाइन मिला है तो इस टाइप से वायरोकाइन जो होते हैं पॉक्स वायरस में हर्पीस वायरस में एडिनो वायरस में रेटरो वायरस में देखे गए हैं वायरोकाइन जनरली लार्ज डीएनए वायरसेस में ही मिलते हैं तो ये याद रखना है रेटरो वायरस को इसमें इसलिए लिया गया है पॉक्स हर्पीज़ और एडिनो के अलावा क्योंकि रेटरो वायरस जो होता है अल्टीमेटली आर से वापस से डी बनाता है और डी जो होता है वो होस्ट के क्रोमोसोम में इंजर्ट हो जाता है जिसको हम प्रो वायरस कहते हैं तो इसलिए यहाँ रिटर वायरस को भी रखा गया है तो वायरोकाइंस किससे रिलेटेड है वो लार्ज डीएनए एन से रिलेटेड है नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ होस्ट रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वायरल वरुलेन्स तो अभी वायरस की तरफ से हमने पढ़ा वायरस क्या कर सकता है देखो वायरस जो होता है वो डिसमिनेशन करता है ड्यू टू ट्रापिज़म है ना ट्रापिज़म मतलब वायरस की बाइंडिंग किस होस्ट से कितनी बेटर हो सकती है वो इसके बारे में हमने पढ़ा उसके बाद वायरसेस किन किन सेल्स को अफेक्ट कर सकता है ये हमने पढ़ा इसके लिए वायरस और क्या करता है वायरस इन्हानसर रिलीज करता है उसको हमने पढ़ा वायरस और क्या करता है वायरस वायरोपेन रिलीज़ करता है इसको हमने पढ़ा तो जिस्ट हमारा अभी तक यही है अब हम होस्ट की तरफ से पढ़ते हैं कि आखिर होस्ट में क्या होता है होस्ट क्या करता है तो होस्ट ये है कि देखिए कुछ नेचुरल होस्ट रहते हैं जिसमें आ, कुछ वायरसेस कॉमनली इन्फेक्शन का कॉज करते हैं लेकिन बहुत लेस पैथोजेनिक होते हैं पर इसके ही अगेंस्ट में जब वो किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं जिसमें वो कॉमनली इन्हीबिटेंट नहीं है तो वहाँ पर डिसीज कॉज करते हैं जैसे इसमें यह बताया गया है कि कुछ रैबिट्स हैं जिसमें वो नेचुरली रहते हैं वायरसेस जैसे सिल्वर टिकस ब्राजिलियनसिस में आ, सिल्वी सालवी सालवी लेगस ब्राजिलियनसिस में कॉमनली रहते हैं तो इतना फेटल कॉन्सिक्वेंस नहीं करते जबकि ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस वाला जो रेबिट है इसमें जब ये वायरस आता है तो फेटल हो जाता है ऐसे ही कुछ जोनोटिक डिसीज़ेस होती हैं जो कि एनिमल में तो नॉर्मली रहती हैं पर वो जब ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं जैसे कि एरिना वायरस की फिलो वायरस की आर्बो वायरस की तो ये ह्यूमन में बहुत ज़्यादा डिसीज़ कॉज करती हैं ठीक है इसके अलावा पहला तो ये हो गया वेरिएंट दूसरा वेरिएंट इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि आ, कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसके कारण कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन फॉर एग्जांपल माइस की कोई एक स्ट्रेन हो सकता है इसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन जो है डोमिनेंट हो एक पर्टिकुलर कोई जीन हो वो रेसिस हो तो इसीलिए किसी भी वायरस की ससेप्टिबिलिटी जेनेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि उस वायरस का उस होस्ट का जेनेटिक मेकअप कैसा है ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स एंड रेजिस्टेंस ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स कहते हैं इनका मेन वर्क होता है एम एक्सप्रेशन वाले जीन्स को एक्टिवेट करना तो जब इम्यून रिस्पॉन्स वाले जीन एम एक्सप्रेशन वाले जीन्स को एक्टिवेट करते हैं तब एम एस के जीन एक्टिवेट होते हैं जब एम एस के जीन एक्टिवेट होते हैं तो ये जैसे मान लीजिए एम एस क्लास सेकेंड के जीन्स हैं वो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करते हैं जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है तो टी हेल्पर सेल एम एस क्लास सेकेंड के साथ बाइंड होती है और बाइंड हो मतलब बाइंडिंग होने के बाद ही एक्टिवेट होता है हेल्पर सेल तो हेल्पर सेल को साइटोकाइन रिलीज करती है जिससे बी सेल का प्रोड्यूफ्रेशन होता है और बी सेल से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है तो ये एक मैकेनिज़्म है तो कभी कोई मेकेनिज़्म आपसे पूछता भी है तो आप इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्स जीन के बारे में बता करके इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है उसके बारे में बता सकते हैं तो वहीं जैसे ही अगर इम्यून रिस्पॉन्स आई जीन लैकिंग हो जाएंगे या उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो अनरिस्पॉन्सिवनेस होने के कारण या फिर लैक ऑफ एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल होने के कारण बाइंडिंग नहीं हो पाएगी इपिटोप की और इपिटॉप बाइंडिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी बी सेल बी सेल टी सेल से बाइंड नहीं होगा टी सेल एक्टिवेट नहीं होगी और टी सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो अल्टीमेटली इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल इन रिस्पॉन्सिवनेस तो इम्यूनोलॉजिकल इन एयरिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा अब कुछ डिसीज ऐसी भी देखी गई हैं जिनमें टी सेल और बी सेल जो होती हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं जैसे मान लीजिए जो बी सेल है अगर वो डिफेक्टिव हो गई तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा इसको हम कहते हैं ए गमा ग्लोबिलोनीमिया यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो ए गा ग्लोबिलोनीमिया होगा कभी कभी ऐसा होता है कि टी सेल का भी डिफेक्ट होने के कारण टी सेल रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाता है और सेल मिडिल इम्यूनिटी अपसेंट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो थाइमस है वो हो सकता है कि थाइमिक एप्लासिया हो रहा हो इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है इसके अलावा अरेबियन फोल्स में देखा गया है यहाँ अरेबियन फोल्स की बात आती है तो अरेबियन फॉल्स में ये देखा गया है कि इनमें टी और बी सेल दोनों की डेफिशिएंसी होने के कारण या डिफेक्टिव होने के कारण सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडिफिशेंसी डिसीज़ होती है किन में होती है अरेबियन फॉल्स में और मेनली जो ससेप्टिबल वायरस है वो होता है एडिनो वायरस इन्फेक्शन तो यहाँ पर यह याद रखना कि सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडिफिशेंसी तो इम्यूनो इम्यूनोडिफिशेंसी डिसीज़ बाकी जो है रिट्रोवायरस से होती है हमें पता है जैसे ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडिफिशेंसी है इसके अलावा फेलाइन इम्यूनोडिफिशेंसी है तो वो किससे होती है वो रिटरवायरस से होती है लेकिन यहाँ पर जो अरेबियन फोल्स हैं उनमें सीवियर कम्बाइंड इम्योनोडिफिशंसी डिसीज़ बेसिकली एडिनो वायरस से होती है इसलिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव लगाया है तो जब भी इसमें क्या होगा इसमें टी और बी सेल दोनों ही ससेप्टिबल रहेंगे या दोनों ही अपसेंट मिलेंगे या दोनों ही डिफेक्टिव मिलेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इम्यूनोलॉजिकल इन इसलिए भी होता है क्योंकि जब कोई वायरस बहुत लंबे टाइम तक किसी एनिमल से शेड होता जा रहा हो तो यहाँ एक बोवाइन वायरल डायरिया के एग्जांपल है जो कि इतना प्रोलॉन्गली शेड होता है कि वो कंजेनेटली भी वो अपनी मदर से फिटस में आ जाता है और फिटस भी जो होती है वो मतलब मदर जो होती है वो वायरल के कैरियर का, का काम करती है और उसके बाद में इससे फीटस में आने पर फीटस भी जो होता है वो भी शेड ऑफ़ करता रहता है तो ऐसी कंडीशन में इम्यूनोलॉजिकल इन रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बोवाइन वायरल डायरिया के केस में कि इम्यूनोलॉजिकल इन रिस्पॉन्सिवनेस वाली कंडीशन बनती है और पता ही नहीं चलता इसलिए ये डिसीज़ जो है वर्ल्ड वाइड केटल पॉपुलेशन में मिलती है अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अदर जीन्स इन्फ्लुएंसिंग रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफेरॉन जो होते हैं ये ऐसे प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो कि वायरस के रेप्लिकेशन को रोके ऐसे प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो कि जो विच आर रिक्वायर्ड फॉर मतलब वायरस के इनिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों तो उनके प्रोटीन को रोके उनके रेप्लिकेशन को रोके और ऐसे इंटरफेरॉन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं इंटरफेरॉन ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि ऐसे रिसेप्टर बनाए जो कि वायरस की एंट्री को रोक सकें या ऐसे मतलब ऐसे रिसेप्टर बनाएं जिससे वायरस की एंट्री ना हो या फिर ऐसे इंटरफेरॉन कुछ ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि मान लीजिए किसी माइक्रोफेज वगैरह में किसी वायरस को जाने से रोके तो अल्टीमेटली ये जो है ये होस्ट की तरफ से एक डिफेंस मैकेनिज्म है नॉन नेक्स्ट इज मैक्रोफेज एंड रेजिस्टेंसटिविलिटी टू वायरल इन्फेक्शंस तो मैक्रोफेज में भी ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि उसमें रहते हैं जैसे कि एक्ट्रोमेलिया वायरस है तो एक्ट्रोमेलिया वायरस पॉक्स में आता है और ये रहता है लेंटी वायरसेस भी ऐसे हैं जो बेसिकली मैक्रोफेज को अफेक्ट करते हैं तो मैक्रोफेज अगर अफेक्ट होता है तो मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है मैक्रोफेज़ पहला तो हमें पता है कि जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटर्स वगैरह से या नाइट्रिक ऑक्साइड से एक तो नेचुरल क्लीन करता है ठीक है यानी कि ये जो है नेचुरल प्राइमरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इसके बाद सेकेंडरी क्या करता है कि मैक्रोफेज प्राइमरी रूप से सॉरी प्राइमरी की बात करें हम तो प्राइमरी रूप से इंटरफेरॉन अल्फ़ा रिलीज़ करता है इंटरफेरॉन बीटा रिलीज करता है और इसके अलावा मैक्रोफेजेस डीटीएच टी रिस्पॉन्स में सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स से में भी हेल्पफुल होता है क्योंकि टी सेल और मैक्रोफेजेस से जो होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सफुल होते हैं मैक्रोफेजेस एपीसी की जैसे काम करते हैं जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वगैरह के केस में तो मैक्रोफेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो है आ, जो है मोनोसाइट्स से आते हैं मोनोसाइट जब बाहर निकलते हैं तो डिफरेंट इश्यूज़ में मैक्रोफेजेस बनाते हैं जैसे लीवर सेल्स में माइक्रोफेज होते हैं जिसको कुफू सेल्स कहते हैं ठीक है तो ये आ, ऐसे में भी वायरस जो होते हैं वो इन सेल्स के अंदर रहना शुरू कर देते हैं तो ऐसे मैक्रोफेजेस मे, का जो सेल मेडिटॉन्स है वो किस किस में देखा गया है वो हर्पीज वायरसेस में वेसिकुलो वायरसेस में कोरोना वायरस में कोरोना में भी माउस हेपेटाइटिस वायरस में एरिना वायरसेस में बनिया वायरसेस में बनिया में भी स्पेशली रिफ्ट वैली फीवर वायरस फ्लेवी वायरसेस में देखा गया है पेस्टी वायरस में देखा गया है ये मैक्रोफेज में सेंट्रल रोल मतलब ये जो है मैक्रोफेज इसमें होस्ट रेजिस्टेंस में इन सभी वायरस में सेंट्रल रोल प्ले करता है नेक्स्ट आते हैं सेल्युलर रिसेप्टर एंड रेजिस्टेंस रजिस्टेंसिटी टू वायरल इन्फेक्शन तो कुछ होस्ट सेल डिफरेंट टाइप के सेल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो कोई रिसेप्टर नहीं है लेकिन वायरसेस uh, क्या करते हैं उन्हें एज ए रिसेप्टर यूज करके अटैचमेंट करते हैं तो रिसेप्टर बेसिकली होस्ट सेल के कुछ प्रोटीन्स होते हैं हो सकता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हों और ये हाईली कंजर्व होते हैं इसलिए वायरस को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उसके अनुसार अपना लिगेंड बना सके तो इसमें ये देखा गया है 1940 में कि जो माइस वगैरह थे उनको पहले तो इन्फ्लुएंजा वायरस दिया गया तो वो इन्फेक्टेड हो गए अब इसके बाद उन्होंने देखा कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो न्यूरामिनिक एसिड है Uh, वो बाइंड होता है है ना तो उन्होंने क्या करा एक एंजाइम डेवलप करा जिसको न्यूरामिडिस कहते हैं न्यूरामिडिस एंजाइम क्या करता है uh, वो रिसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि न्यूरामिनिक uh, एसिड जो होता है वो सीएलिक एसिड है सीएलिक एसिड क्या है एक रिसेप्टर है और हमें पता है कि न्यूरामिडिस जो होता है वो ऑथ्रोमिक्गजोरिडी के पेप्लोमर एक पेप्लोमर है ऑथ्रोमिक्जोरिडी का ठीक है तो ये पेप्लोम किससे बाइंड होता है सीएलिक एसिड से बाइंड होता है तो जब ये बाइंडिंग होती है तो सीएलिक एसिड क्या है बेसिकली सीएलिक एसिड एक एन एसिडाइल निरामिक एसिड है तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने निरामिन का यूज़ किया तो फिर माइस को क्या हुआ माइस में इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ तो इस टाइप के डिफरेंट रिसेप्टर्स खोजे गए हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जरूरी नहीं कि रिस्पायरटरी एपिथेलियल सेल्स भी काम करे ये जहाँ जहाँ भी सी एलिक एसिड है जैसे सी एलिक एसिड होता है आर के ऊपर भी तो इसीलिए डिफरेंट टाइप के आर से ये अटैच होता है और हीमोग्लूटिनेशन पॉजिटिव रिएक्शन देता है इसलिए इन्फ्लुंजा वायरस का एग्जाम्पल हर बार एच टेस्ट पॉजिटिव करने के लिए लिया जाता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव को लगा रखा है तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जैसे कि रेबीज़ वायरस की बात करें तो एसिडाइलकुलिन रिसेप्टर के साथ बैंड होता है तो ये हो सकता है कि रेबीज़ वायरस जहाँ जिस जिस भी होस्ट में मिलेगा एसिटाइल को रिसेप्टार वहाँ बैंड होगा तो रेबीज़ वायरस का होस्ट रेंज तो नैरो है लेकिन फिर भी एसीडाइलकुलिन मिलने के कारण बहुत सारे होस्ट को ये अफेक्ट करता है इसके बाद में एसीडाइल कुलिन कहाँ मिलता है वो मिलता है सियालेटेड uh, गेंग्लियोसाइट्स में गेंगलियसाइट्स मतलब नर्व की सेल्स में इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो वर्टिब्रेट और आथ्रोपोट दोनों में ही मिलते हैं यानी कि सिंडबिस वायरस जो होता है उसके रिसेप्टर रिसिप्टारथ्रोपोट्स में भी मिलते हैं और साथ में वर्टिब्रेट्स में भी मिलते हैं लेकिन वर्टिब्रेट्स में इसके रिसेप्टर सारे वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं इसका जो सिंडबिस वायरस का रिसेप्टर है वो होता है लेमिनिन रिसेप्टर जो लेमिना होता है ना तो लेमिनिन रिसेप्टर होता है लेकिन जो आर्थ्रोपोड है वो एडिज मॉस्क्यूटो है और एडिज मॉस्किटो एक ही ऐसा आर्थ्रोपोड है जिसके अंदर सिंडबिस वायरस मिलता है मतलब बाकी आर्थ्रोपोड में इसका रिसेप्टर नहीं मिलता लेकिन होस्ट रेंज सबसे ज़्यादा है क्योंकि लेमिनिन रिसेप्टर मेमल्स के साथ साथ बर्ड्स में भी मिलता है तो कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि जरूरी नहीं कि वायरस केवल सी डी फोर से ही बाइंड हो एच आई वी का जो वायरस होता है वो सी डी फोर से प्राइमरली बाइंड होता है सी डी फोर मॉलिक्यूल टी सेल के ऊपर मिलता है लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर उसको सी डी फोर नहीं भी मिलता हो तो ये सेकेंडरी कोरिसप्टास होते हैं जैसे कि फ्यूजन रिसेप्टर है और अदर मॉलिक्यूल इससे भी बाइंड हो जाता है तो इसके अलावा जो ट्रांसमिसिबल गेस्ट्रेंट्राइटिस है इसमें यह स्वाइन में होती है और कोरोना वायरस की डिसीज है तो ये हमें पता है कि ये गेस्ट्रेनट्राइटिस जो है एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा लेकिन ऐसा नहीं है ये कभी कभी होता है कि लंग्स को भी अफेक्ट कर देता है तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर और लिगेंट्स की स्टडी किया जाना चाहिए जिसके जिससे हम ये पता लगा सकें कि आखिर वायरस कहाँ अटैच हो रहा है नाउ नेक्स्ट है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरफेरॉन एंड अदर साइटोकाइंस एंड रजिस्टेंसिटी टू वायरल इन्फेक्शन होस्ट जो होते हैं वो वायरस से लड़ने के लिए साइटोकाइंस रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इसके अलावा वायरस से होस्ट जो होते हैं वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा और बीटा भी प्रोड्यूस करते हैं ये भी एक टाइप का साइटोकाइन है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो होता है वो मैक्रोफेज से और एनके सेल्स से प्रोड्यूस होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा जो होता है नेक्रोसिस फैक्टर बीटा वो बेसिकली टी सेल्स से रिलीज होता है इस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का फंक्शन क्या है पहला फंक्शन ये है कि वो सेल की ग्रोथ करता है और उसका डिफ्रेंशिएशन करता है दूसरा फंक्शन क्या है ये साथ ही साथ एंटीवायरल एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन को मोटिवेट करता है या उसके साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करता है तो इंटरफेरॉन के साथ में मिल करके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है वो वायरस के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और कोशिश करता है कि ऐसे वायरस जिसमें पहले से ही ऐसे होस्ट सेल जिसमें पहले से ही वायरस है उसका एपोप्टोसिस कर दे यानी उसको डैमेज कर दे तो सेल डैमेज करता है ये साथ में तो सेल डेथ करेगा बाय एपोप्टोसिस नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिक फैक्टर अफेक्टिंग होस्ट रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी इसमें होस्ट की एज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिकली देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका इम्यून रेगुलेशन बहुत ज़्यादा डाउन रहता है और वो सारा का सारा पेशी इम्यूनिटी अपनी मदर से ही प्राप्त करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम डाउन होने से इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है लिम्फोसिस्टिक कोरियोनजाइटिस वायरस का स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि माइस के, के केस में जैसे ही माइस बोर्न होता है तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन रहता है तो परसिस्टेंट टॉलरेंट इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी लिम्फोसटिक कोरिव वायरस है तो इसके अगेंस्ट में किसी भी टाइप का जो है सेल मेडिटेड रिस्पॉन्स नहीं आता या एंटीबॉडी मेडिटेड रिस्पॉन्स नहीं आता इसलिए टॉलरेंट हो जाता है पर ये देखा गया है और ऐसी कंडीशन में जब टॉलरेंट तो क्या होगा होगा ये कि किसी भी टाइप के सिम्टम्स नहीं आएंगे तो फ्री ऑफ एनी क्लिनिकल साइन रहेगा और न्यू बॉर्न माइस में आ, बाद में जब वो एक सप्ताह का हो जाएगा तब उसमें मैनजो इंसिफ्लाइटिस होगी तो ये भी देखा गया है कि इसके कारण ब्रेन डैमेज होगा और बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ अफेक्टेड होंगे स्पेशली ब्रेन अफेक्टेड होता है और माइस की जो डेथ होती है वो कन्वर्जेंस के कारण होती है बिकॉज ऑफ लिम्फोसटिक कोरिमेन ऐसे ही कुछ न्यू बॉर्न एनिमल्स में होने वाली डिसीज़ जैसे केनाइन डिस्टेम्पर कैनाइन में पप्स में होती है कैनाइन पार्वोवाइरल डायरिया होता है बहुत ज़्यादा डायरिया होगा ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएन्टेराइटिस ये स्वाइन में होने वाली डिसीज़ है हॉक कोलेरा स्वाइन में होता है बोवाइन वायरल डायरिया भी अभी, अभी आपको बताया कि सीधा मदर से ही ऑफ स्प्रिंग में ये डिसीज़ आ जाती है इसके बाद में एंट्रोपैथोजेनिक कोरोना वायरसेस हैं रोटा वायरसेस हैं तो रोटा वायरस रियोबिडी में आते हैं तो इसके बाद हर्पीज़ वायरसेस हैं तो ये सारे वायरसेस जो होते हैं कहीं ना कहीं न्यू बॉर्न में आ जाते हैं और उस समय मेटरनल एंटीबॉडी बहुत कम होती है या फिर मेटर्नल एंटीबॉडीज़ ही मिलती हैं और ख़ुद की जो इम्यूनिटी है बहुत कम होती है नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड रेजिस्टेंस असिपिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन जो माल न्यूट्रिशन है वो दो कंडीशन से आ सकता है पहला माल न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एनिमल कंज्यूम ही नहीं कर रहा हो कुछ तो इसके कारण क्या होगा कि एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफेज डिक्रीज हो जाएगी जितनी भी प्रोटेक्टिव जैसे स्की म्यूकस मेम्ब्रेन जो इंटीग्रिटी है वो भी डैमेज होगी कितनी बार ऐसा होता है कि एनिमल कंज्यूम तो कर रहा है लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिशन हो रहा है क्योंकि सीवियर डायरिया हो रहा है तो ऐसे में वायरस का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन्फेक्शन करने की कभी कभी ऐसा होता है माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है या कुछ एमिनो एम्यूनासिड इसेंशियल एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो इसके कारण जो वायरसेस हैं वो रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से न्यूमोनिया और एंटराइटिस भी हो जाता है नेक्स्ट आते हैं हारमोन एंड प्रेगनेंसी एंड रेजिस्टेंस रसप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पर यह देखा गया है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है इस टाइम पर बिकॉज ऑफ़ डाउन इम्यूनिटी इस समय इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो ऐसे में कुछ वायरसेस जैसे कि बनिया वेडी में आता है रिफ्ट वैली फीवर वायरस है इन शीप ये एक्टिवेट हो जाते हैं इसके अलावा हर्पीज़ वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है तो uh, इसमें क्या होता है अबॉर्शन हो सकता है पेरीनेटल इन्फेक्शन हो सकता है तो ये हार्पीज विडी के केस में ज़्यादा करके अबॉर्शन देखे गए हैं इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम बात कर रहे हैं कुछ हारमोन्स की तो हारमोन्स में आ गया हमारा एक हारमोन कॉर्टिकोस्टोराइड कार्टिकोस्टोराइड हारमोन एड्रीनोकॉर्टिकल जंक्शन से निकलता है और यहाँ पर ये अगर जब भी निकलता है तो इम्यूनो सप्रजेंट करता है इम्यूनो सप्रेजन की इसकी बेस्ट मैकेनिज्म तो अनॉन है लेकिन फिर भी ये क्या कर सकता है कार्टिकोस्ट्रॉइड अगर रिलीज होता है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है मैक्रोफेस डैम्पन यानी मैक्रोफेस के रिस्पॉन्स को कम करता है इंटरफेरॉन के सिंथेसिस को डिक्रीज करता है तो ये देखा गया है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की कंडीशन में एड्रीनोकॉर्टिकल इम्यूनोसप्रेजन होगा तो ये देखा गया है कि जो केटल्स जिनको बहुत लंबे टाइम से शिपिंग कराई जाती है यानी ट्रेवलिंग कराई जाती है जिनकी उनको भर भर के क्राउडेड करके क्राउडेड इन्वामेंट में लाना ले जाना किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में शिपिंग फीवर होता है तो शिपिंग फीव शिपिंग फीवर इन केटल बहुत कॉमन है सबसे पहले तो ये इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है पेरा इन्फ्लुंजा वायरस का पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ऑथ्रोमिकडी में आता है ये हमें पता है तो पैरा इन्फ्लुंजा के बाद में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो आपका पाश्वरीला बैक्टीरिया का होता है तो ये स्ट्रेस के कारण होने वाली डिसीज़ है इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फीवर एंड रेजिस्टेंस ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन तो फीवर में क्या होता है फेवराइल कंडीशन में जो प्रिंसिपल मेडिएटर है वो बेसिकली इंटरल्यूटिन वन है इंटरल्यूकिन वन कहाँ से रिलीज होता है मैक्रोफेज से रिलीज होता है और इंटरल्यूकिन वन क्या करता है इंटरल्यूकिन वन ये करता है कि वो जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पर जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है उसका यानी भी उसको एक्टिवेट करता है तो इससे फीवर आता है तो इसमें क्या होता है ये बेसिकली माइक्रोफेज़ uh, एक मेटाबोलिक uh, रेट uh, को बढ़ा देता है क्योंकि फ़ीवर आएगा तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा मेटाबॉलिक रेट बढ़ना फीवर का आना और इन्फ्लेमेशन होना इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है इसमें क्योंकि जब भी फीवर आएगा तो इन्फ्लेमेशन होगा तो ये सारे के सारे जो हैं एंटी वायरल इफेक्ट हैं मतलब ये बेनिफिशियल इफेक्ट हैं ऐसा होना चाहिए यानी फीवर आना चाहिए तो फीवर को अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स लाइक सेलिसट वग़ैरह आप दे देते हैं और फीवर रोक देते हैं तो ऐसे में मोर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है तो कुछ इस टाइप के रिजल्ट्स मिले हैं जैसे एक्ट्रोमेलिया है ये पॉक्स विरिडी में आता है और कॉक्सिक वायरस है ये जो पिकोर्ना विरिडी में आता है तो ये जब भी माइस में इन्फेक्शन करते हैं तो फीवर करते हैं नेक्स्ट मतलब ये फीवर जो है बेनिफिशियल इफेक्ट है नेक्स्ट है सेल डिफ्रेंसीशन एंड रेजिस्टेंस ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन ये देखा गया है कि बहुत सारे वायरसेस Uh, जो है डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स में या डिफरेंशिएशन की कंडीशन में ही जब सेल ऐसी कंडीशन में हो जब उसकी ग्रोथ हो रही हो डिफरेंशिएशन हो रहा हो उस समय ही अटैक करते हैं नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में अटैक नहीं करते हैं तो एग्जांपल ये है जैसे पेपिलोमा वायरस है ये स्किन पर uh, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ये डीपर लेयर ऑफ इपिडर्मल ट्यूमर तो ऐपिडर्मस की जो डीपर लेयर है ना uh, एपिडर्मल ट्यूमर क्रिएट करते हैं लेकिन ये डीपर लेयर में होता है एपिडर्मल तो इसमें क्या होता है जब ये मान लीजिए इस एपिडर्मिस में क्रेटनाइजेशन हो जाता है तो ये धीरे धीरे ऊपर आने लग जाती है तो जो बेसल मेम्ब्रेन है उससे ये बेसल सेल्स से ऊपर से आ जाती है तो जब भी क्रेटनाइजेशन होगा पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा जब तक स्किन की सेल एपिडर्मस एपिडर्मिस जो होगा वो बेसल लेयर से जुड़ी हुई रहेगी तब तक वायरस पार्टिकल इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएगा तो जैसे ही क्रेटनाइजेशन हुआ ये क्रेटनाइजेशन होने पर बेसल लेयर को स्किन छोड़ देती है एपिडर्मिस छोड़ देती है और ऊपर आ जाती है तो ऊपर आते ही जो पेपिलोमा वायरसेस होते हैं वो अटैक करते हैं इसके अलावा देखा गया कि जैसे वेसिक्लास्टोमोटाइटिस है ये भी कैटल में होने वाली डिसीज है पॉक्सफिलिडी की कैनाइन डिस्टेम्पर है तो ये क्या करते हैं नॉर्मली रेस्टिंग लिम्फोसाइट्स को अटैक नहीं करते ये कब अटैक करते हैं जब लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसीशन हो रहा हो माइट्रोजेनिक एक्टिविटी हो रही हो या लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो गया हो तब ये उसको अटैक करते हैं वेसिकुलस्टोमोटाइटिस वायरस और डिस्टेम्पर वायरस ऐसे ही मेडिविशना में देखा गया है कि मेडिविशना मोनोसाइट्स को इतना अफेक्ट नहीं करता और उसके जो वायरल ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो चले जाते हैं वापस मोनोसाइट्स से उसका अबॉशन हो जाता है पर यह देखा गया है कि जैसे ही मैक्रोफेज बना मोनोसाइड से मैक्रोफेज बना मेडिविस्ना जो होता है मैक्रोफेज को अटैक कर देता है है ना इसके बाद इसमें हमेशा यहाँ लिख भी जाना चाहिए चलो लिखते हैं इसके बाद अगला हम देखते हैं कि जो पारवो वायरसेस हैं वो एपिथेलियल सेल्स पे तभी इफेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल एपिथिलियल है बोन मेरो है ऑफ डेवलपिंग फीटस में तब अटैक करते हैं जब लेट एस फेस ऑफ साइकिल चल रही हो इसके अलावा पेन ल्यूकोपेनिया वायरस जो होता है ये भी पैरो वायरल डिसीज़ है तो इसमें जो फेलाइंस होते हैं कैट्स वग़ैरह होती हैं उसके सेरेबेलम की जर्मिनल लेयर को अफेक्ट करते हैं तो जब भी आ, जब भी फीटस जो रहते हैं ना उनमें सेरेबलम का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब मैच्योर ब्रेन में या फिर जो सेलेबेलम है उसको अफेक्ट करते हैं तो सेरेबेलर हाइपोप्लासिया होता है क्लिनिकली अटेक्सिया होता है न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है ठीक है तो तो नेक्स्ट है नेचुरल इनिविटर्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ वीरियन तो वेन जब भी अटैच होता है तो उसको कोई ना कोई सेल रिसेप्टर चाहिए लेकिन हमारी बॉडी ऐसा करती है कि रिसेप्टर की जगह उसको कुछ दूसरा प्रोटीन दे देती दे है और न्यूट्रलाइज़ कर देती है फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुंज़ा वायरस की बात करें तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं इसके अलावा पल्मोनरी सरफेस पर सर्फेक्टेंट्स होते हैं या फिर जो है सी आई रिलेटेड ग्लाइको होते हैं जो कि प्लाज्मा में मिलते हैं और रेस्पारेटरी म्यूकस मेबलिन पे मिलते हैं तो ये क्या करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं साइटोमेगा वायरस की बात करें जो कि हर्पीज विरडी में आता है तो ये प्लाज्मा में एक बीटा टू ग्लोब माइक्रोग्लोबिल होते हैं तो उसके साथ में साइटोमेगालो वायरस का जो है अटैचमेंट हो जाता है और साइटोमेगालो वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे बॉडी में प्रोटीन्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड्स हैं Uh, कुछ मिल्क में मिलते हैं कुछ कोलेस्ट्रोल में मिलते हैं जो कि बेसिकली लिपिड्स होते हैं तो इनसे और कुछ एंटीवायरल फैटी एसिड्स होते हैं तो इनसे वायरस का अटैचमेंट हो जाता है और वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है नाउ नेक्स्ट है मल्टीपल इन्फेक्शंस मल्टीपल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब एनिमल्स uh, का रियरिंग एक साथ होता है जैसे ब्रॉयलर हाउसेस होते हैं फरइंग यूनिट्स होते हैं जो पिक के लिए होते हैं तो या फिर केटल फीड लॉट होता है जहाँ पर बहुत सारी केटल एक साथ जो है फ़ीड लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में मल्टीपल टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो सीवियर रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल डिसीजेस कर सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है शिपिंग फीवर शिपिंग फीवर बेसिकली पेरा वायरस जो है वो हर वो आता है आपका पैरा वायरस पैरामिगजी में तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही पैरामगजोविडी का इन्फेक्शन लगता है पैरा इन्फ्लुंजा केटल पैरा इन्फ्लुंजा का वैसे ही उसके बाद में इम्यूनोसप्रेशन होता है और पाश्चोले मल्टोसिडा या हिमोलिटिका का इन्फेक्शन हो जाता है साथ ही ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव नेचर के होते हैं बेस्ट एग्जांपल एचआईवी एचआईवी के केस में क्या होता है वायरस जो होता है वो सी डी फोर मारकर वाले टी सेल्स के साथ बाइंड होता है और इम्यूनों करता है तो ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होते हैं जैसे हर्पीज़ वायरसेस ये क्या हैं सारे के सारे आ, सेकेंडरी इन्फेक्शन करने वाले होते हैं मतलब एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई तो घुस जाएंगे तो हर्पीज़ वायरसेस जिसमें बेस्ट है साइटोमेगालो वायरस कुछ पेपिलोमा वायरस पॉलियोमा वायरस एडिनो वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस बी किससे होता है हेपेडना से होता है और हेपेटाइटिस सी किससे होता है ये भी बता दें हेपेटाइटिस सी होता है फ्लेवी फ्लेवी वायरस से एज वेल एज सालमोला अपॉर्चुनिस्टिक है शिगेला अपॉर्चुनिस्टिक है इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इन्फेक्शन करेंगे केम्पाइलोपेक्टर स्पीशीज़ है न्यूमोसटिस कैरिनी है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है माइकोबैक्टेरियम एवियम सेलरी ये भी आपने देखा होगा इनको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ये इन्फेक्शन फैलाते हैं कैंडिडा एल्विकस है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ मेडिकल प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उससे भी डिसीज फैलती है जैसे कि फेलाइन इम्यूनोडफिशेंसी है फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस है फेलाइन पेन ल्यू लुको, ल्यूकोपेनिया है तो ये सारी की सारी मान लीजिए केट्स आती हैं तो एक केट से दूसरी केट में हॉस्पिटल में भी इन्फेक्शन फैलता है इसके अलावा डॉग्स आते हैं जैसे केनाइन पारवो वायरस है केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है ये भी एक डॉग से दूसरे डॉग में एक हॉस्पिटल के इन्वामेंट में फैल सकता है तो ये इस टाइप की मल्टीपल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट आते हैं मॉडल स्टडीज ऑफ बेसिस फॉर वायरल विरोलेंस एंड होस्ट रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी इसमें हम पढ़ेंगे केनाइन पारवो वायरस एज ए मॉडल ऑफ वायरल डिटर्मिनेंट अफेक्टिंग होस्ट रेंज एंड ससेप्टिबिलिटी तो यहाँ पर हम एक मॉडल लेके चलते हैं और वो है कैनाइन पारवा वायरस तो इसको हम पढ़ेंगे तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वायरस मॉडल लेकर के स्टडी करेंगे तो इसमें क्या होता है जो कैनाइन पार्वो वायरस है ये पैथोजन डॉग्स में फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था 1976 में और 1978 में इसको आइसोलेट कर लिया था कहाँ से आइसोलेट किया था ये किया था डॉग में से सीवियरली एंट्राइटिस वाले केस में से और ऐसे डॉग में फेटल डिसीज़ होती है ये तो ये देखा गया कि जो पहले फेलाइन ल्यूकोपेनिया वायरस आइसोलेट किया था 19 नाइनटीन में रिकॉग्नाइज़ नाइनटीन में रिकॉग्नाइज़ किया गया था उससे काफ़ी सिमिलर है केनाइन नाइन वायरस यानी इतना सिमिलर है कि केवल टू एमिनो एसिड सब्सटीट्यूशन होने इन वायरल कैप्सिड मतलब केवल दो ही एमिनो एसिड का सब्सिट्यूशन हुआ है वायरल कैप्सिड में तो ये केट से उठ करके डॉग में आ गया नहीं तो ये पहले केट में ही था तो ये इतनी जल्दी इसने अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज किया अपना होस्ट चेंज कर लिया कि फेलाइन पेल्यूकोपेनिया तो होता ही होता है अब कैनाइन वायरस भी 1976 में आइसोलेट हो गया तो ये इम्पॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव है कि पपीज में क्या करता है केनाइन वायरस पपीज़ में तो सडन डेथ कर देता है बिकॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस तो ये सडन डेथ करता है पपीज़ में माओकार्डाइटिस में ये याद रखना है जबकि जो एडल्ट हैं जैसे मान लो चार से छः महीने के जो होते हैं उनमें तो ये डायरिया करता है और डायरिया करके डिसीज़ करता है तो इसके बारे में ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये वर्ल्ड वाइड कैसे हो गया इतनी जल्दी कैसे कैनइंस में फैल गया पर मोस्ट प्रोबली ये पाया गया है कि जो फोमाइट है उससे ये वायरस कैरी हुआ है और फैला है अब नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस एज ए मॉडल ऑफ मल्टीजेनिक नेचर ऑफ वायरल वेलेंस डिटर्मिनेंट्स मतलब ये हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ये क्लियर है कि वायरस किस तरीके से अपने आप को फटाफट चेंज कर लेता है वायरस ने सबसे पहले केवल केट को ही इफ़ेक्ट किया था फेलाइन पेलीकोपे किया 1922 में सॉरी 1920 में आइसोलेट हुआ और ये जो सीक्वेंस एनालिसिस की गई केनाइन वायरस की किसने की थी सी आर पेरिस ने ई एल कार्मिचेल ने और कलिक्स ने एट जेम्स ए बेकर इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी तो इन्होंने ये पाया कि केवल सीक्वेंस एनालिसिस में देखा कि केवल दो एसिड सब्सटीट्यूट हुए हैं वायरल कैप्सिड से और ये फेलाइन से उठ केनाइन में आ गया तो नेक्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा है इसको स्टडी करेंगे ओके तो एवियन इन्फ्लुएंज़ा की जो मॉडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो पायोनियर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है वो किया है एक वायरोलॉजिस्ट एफ एम बर्नेट ने एफ एम बर्नेट ने जो वर्क किया उसमें उन्होंने देखा कि इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वेरुलेंसी है वो मल्टीजेनिक है तो मल्टीजेनिक का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अलग अलग टाइप के जीन रिस्पॉन्सिबल हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस हमें पता है ऑथ्रोम एक्जोविडी फैमिली से है और ऑथरम एग्जोवरिडी फैमिली में छः सात और आठ जो है उसमें सेगमेंट्स होते हैं तो जो एर्ट्थ नं एट्थ, एट्थ सेगमेंट जिसमें होते हैं वो होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस एंड बी वायरस में तो उन्होंने क्या देखा कि कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है विरुलेंस के लिए बहुत सारे मल्टीपल जीन इन्वॉल्व हैं तो ये उन्होंने क्या करा इसके बाद में मतलब एफ एम के बाद में आर रॉट एस स्कॉल एस के एंड कलिक्स जो हैं उनके वेटनरी फैकल्टी इन गिसेन जर्मनी वालों ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि ए विरुलेंट और विरुलेंट दोनों इन्फ्लुएंजा वायरसेस को मिक्स किया एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को तब उन्होंने देखा कि जो आठ अलग अलग टाइप के जीन्स हैं उनमें क्या हुआ उनमें बेसिकली रीअसोटमेंट हुआ रीसोर्टमेंट हुआ तो उन्होंने ये देखा कि कुछ जीन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो और बेटर वर्क करने लगते हैं और इस टाइप का जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है उसको हम बोलते हैं जीन कंसल्टेशन जीन कंसल्टेशन जीन सॉरी जीन कॉन्स कॉन्स्टेलेशन जीन कॉन्स्टेलेशन तो इसको हम क्या कहते हैं जीन कॉन्स्टलेशन ये इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखना है कि जब भी दे शोड दैट सम जीन्स वर्क बेटर टुगेदर देन अदर दैट देर देर वॉज एन ऑप्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स एन ऑप्शन देन ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स तो उन्होंने पाया कि ये जो जीन्स हैं ये इनके ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं और उन्होंने इसको कहा कि ये जीन कॉन्स्टलेशन हुआ है फॉर द बेटर सर्वाइवल इन द नेचर एंड डिटरमाइंड विरुलेंस तो इसमें क्या होता है कि जो हिमोगलुटिन एक प्रोटीन है जो कि स्पाइक प्रोटीन है ये सभी के सभी विरुलेंट नहीं होते लेकिन आ, इसमें एग्ज़ाम्पल है जो हिमोगलुटिननिन ए वन है और हिमोगलुटिन ए टू है ये जो है विरुलेंट नहीं थे उस समय तक क्यों नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें एक आर्जिनिन रेसिड्यू होता है तो ये इसका क्लीवेज नहीं हो पाता पर जब इनका आपस में जब पसाजिंग हुआ बहुत डिफरेंट टाइप के होस्ट में गया या बैक्टीरियल या सेलुलर प्रोटीन्स के साथ में इसका डिग्रेडेशन हुआ तो जिन इन्फ्लुएंजा वायरस के हिमोग्लोटिन का बैक्टीरियल प्रोटीज से या सेलुलर प्रोटीजे से डिग्रेडेशन हुआ क्लीवेज हुआ या जिसकी क्लीवेबिलिटी एच ए एंटीजन के साथ बहुत अच्छी रही वो अच्छे विरुलेंट रहे और बाकी जैसे एच ए वन और एच ए टू जो है उसमें आर्जिनिन रेसिड्यू होने के कारण ये विरुलेंसी शो नहीं कर पाया लेकिन क्या हुआ कि पेंसिल्वेनिया में नाइनटीन एटी थ्री में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था एवियन इन्फ्लुएंजा का और उसमें वाइल्ड बर्ड्स और जो चिकन फ्लॉक्स हैं बहुत ज़्यादा उनकी मोर्टिलिटी हुई थी तो ये पाया गया कि जैसे जैसे ये जो क्लीवेबिलिटी है आर्जिन रेसिड्यू हट गया और बैक्टीरियल प्रोटीजेस और सेलुलर प्रोटीज से जो क्लीवेबिलिटी है वो इसमें बढ़ गई तो ये क्यों हुआ क्योंकि जो असॉल्टमेंट हो रहा है एवरलेंट और वेलेंट का आपस में कभी एवियन में जाता है ये कभी ये इन्फ्लूंजा स्वाइन में चला जाता है कभी ह्यूमन में आता है तो ऐसे करके जो रिसॉर्टमेंट हो रहा है ना इसको हम बोलते हैं जीन कॉन्स्टिलेशन और इसके कारण क्या हो रहा है विरुलेंसी बढ़ रही है तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे रियो वायरस एज ए मॉडल फॉर एसोसिएटिंग वायरल विरुलेंस डिटर्मिनेंट विद द क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसीज तो रियो वायरस के मॉडल की स्टडी करने के पहले मैं थोड़ा सा एफ एम बलनेट जी के बारे में बताना चाहूँगा कि एफ एम बर्नेट ने सबसे पहले आ, इन्हीं को जाना जाता है कि इन्होंने क्यू फीवर पॉजिटिव एजेंट का डिस्कवर किया सिटिकोसिस पॉजिटिव एजेंट का डिस्कवर किया डेवलपिंग ऐसे फॉर द आइसोलेशन कल्चर एंड डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लुंजा वायरस तो अभी जो इन्फ्लुंजा वायरस का डिटेक्शन डेवलपमेंट हो रहा है इसका बेसिक प्रिंसिपल एफ एम बर्नेट ने दिया था डिस्क्राइबिंग द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लुंजा वायरसेस कैसे अलग अलग टाइप के जो भी मैंने बताया रिसॉर्टमेंट हो रहे हैं उसके बारे में एफ़ एम बर्नेट ने बताया था इन्होंने क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी दी थी जिसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला है नाइनटीन सिक्सटी में और इस क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में उन्होंने बताया था बेसिकली एफ एम बर्नेट एक वायरोलॉजिस्ट हैं पर इन्होंने इम्यूनोलॉजी में रिसर्च किया हुआ है इन्होंने बताया है कि जो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं जैसे स्पेशली बी सेल्स की बात करें तो ये इस स्पेसिफिक एंटीजन इंड्यूसर है प्रिकर्सर बी सेल दैट पर्टिकुलर सेल मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूसिंग क्लोन्स फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो वैसे जैसे बी सेल रेस्टिंग फेज में होती है और सेकेंडरी लिम्फ नोड्स वगैरह में जैसे स्प्लिन में और लिम्फ नोड्स में होती है तब यहाँ पर क्या होता है इसको कोई एंटीजन मिलता है जब एंटीजन मिलता है तब उसी के क्लोन बनते हैं और बाकी जो है बी सेल का डिलीक्शन होता चला जाता है तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ क्लोन्स लास्ट में बनते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन और ये जो थ्योरी दी थी ये एफ एम बर्नेट ने दी थी जिसके लिए इनको 1960 में नोबल प्राइज़ मिला था ये एक ऑस्ट्रेलियन वायरोलॉजिस्ट हैं ओके okay? अब हम बात करते हैं आ, रियो वायरसेस के बारे में तो रियो वायरसेस इसमें जो बताया है वो ये है कि रियो वायरसेस बेसिकली आ, पैथोजेनिक नहीं होता नेचर में लेकिन रियो वायरस में हम जानते हैं कि इसमें दस ग्यारह और बारह ऐसे सेगमेंट्स होते हैं तो जो दस है वो होता है ऑर्थ्रो रियो वायरस में और आरबी और वायरस में ग्यारह जो होता है वो रोटा वायरस में और बारह जो होता है वो कोल्टी वायरसेस में होता है ये हमें पता है सेगमेंट्स के बारे में तो इसमें ये देखा गया कि जो रियो वायरस वन एंड थ्री हैं इनमें जो टेन सेगमेंट्स होते हैं उनमें रीअसॉटमेंट होता है जब रिअसॉटमेंट हुआ तो वो विरुलेंट हो गए इसमें इन्होंने बताया है कि एक एक जीन के बारे में तो जो जीन एस वन है वो इनकोड करता है सिग्मा वन प्रोटीन को सिग्मा वन प्रोटीन कहाँ मिलता है वर्टिसेस पे वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स तो ये मान लीजिए एक वायरस का आइकोसाइड्रल आए, सिमेट्री है तो उसमें ये वर्टिसेस यानी कॉर्नर है यहाँ पर आप देखेंगे सिग्मा वन प्रोटीन है तो ये इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं इस पूरे कैप्सिड में लगभग थर्टी सिक्स से फोर्टी एट कॉपीज़ होती है और इस टाइप के जो हम पार्टिकल इसको यहाँ पर लिखा है इन्फेक्शियस सब वायरल पार्टिकल है ना यानी कि जो पार्टिकल आईएसवीपी लिखा है रियो वायरस का आईएसवीपी होता है तो ये हो गया इसमें ये देखा गया कि जो रियो वायरस वन है वो एपेंडाइमल सेल के साथ में कनेक्ट होता है और रियो वायरस थ्री है वो न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है तो जो न्यूरोनल डिग्रेडेशन डिजनरेशन है वो ज़्यादा होता है और उससे मॉर्टिलिटी ज़्यादा होती है रेदर देन एपेंडाइमल सेल्स के सेल्स से दूसरा ये देखा गया कि जो जीन एस फोर है वो सिग्मा थ्री प्रोटीन इनकोड करता है सिग्मा थ्री प्रोटीन मेजर आउटर कैप्सिड प्रोटीन है मेजर सबसे ज़्यादा मिलने वाला इसकी 600 कॉपीज़ होती हैं और ये मिलता है यहाँ पर इस फोटो में दिखाया गया है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिग्मा थ्री प्रोटीन है तो ये जो प्रोटीन है आ, ये बेसिकली ये इसका क्लीवेज होता है इस प्रोटीन का क्या होता है सिग्मा थ्री प्रोटीन का क्लीवेज होता है कहाँ पर जैसे ये वायरस इंटर करता है तो इंटेस्टाइन में प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटिलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं सिग्मा थ्री का क्लीवेज करते हैं जब सिग्मा थ्री का क्लीवेज होता है तो ये म्यू वन के लिए साइट को ओपन कर देता है तो म्यू वन एक्टिवेट हो जाता है सिग्मा थ्री के क्लीवेज से म्यू वन एक्टिवेट हो जाता है जो प्रोटिईटिक एंजाइम्स हैं वो इंटरसनल ल्यूम्स में मिलते हैं उसका नाम है काइमोट्रिप्सिन और कभी कभी सेलुलर प्रोटीज होते हैं जो कि एंडोसोम्स वगैरह में मिलते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोटीलैटिक प्रोटीलिस ऑफ सिग्मा थ्री तो जैसे ही सिग्मा थ्री का क्लीवेज होता है म्यू वन एक्टिवेट हो जाता है इसके साथ में ये भी होता है कि द रिमूवल ऑफ सिग्मा थ्री ऑल्सो कॉज द एक्सटेंशन ऑफ वायरल अटैचमेंट प्रोटीन सिग्मा वन तो सिग्मा वन का कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है और जैसे ही म्यू थ्री का रिमूवल होता है सिग्मा वन जो होता है अटैचमेंट के लिए एक्टिवेट हो जाता है और ये आ, सिग्मा वन इंटेस्टाइनल ह्यूमन की सेल रिसेप्टर से अटैच होता है ठीक है तो इस टाइप से ये वायरस एक्टिवेट होता है इसमें जीन एम टू जो होता है वो जीन एम टू म्यू वन और म्यू वन सी को कोड करता है और आ, ये इसकी भी सिक्स हंड्रेड कॉपीज़ लगभग होती है तो जैसे ही आ, सिग्मा थ्री जो है ये सिग्मा थ्री है ये रिमूव होता है तो म्यू वन सी और म्यू वन एक्टिवेट हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में आ, की जो एम सेल्स हैं उससे इंटर टू एंड इंटर एम सेल्स में जाते हैं और लिम्फॉइड टिश्यू में जाते हैं यहाँ ऑफ द इंटेस्टाइन तो यहाँ पर अटैचमेंट इनका होता है एम सेल्स ओवरलाइन लिम्फाइट टिश्यू ऑफ द इंटेस्टाइन एम सेल पर अटैचमेंट होता है इसके बाद जीन एल टू की बात करें तो जीन एल टू जो है वो लेमडा टू प्रोटीन को कोड करता है और ये बारह वर्टिस पर होते हैं जिसकी लगभग साठ कॉपीज होती हैं ठीक है तो ये ये जो है ये प्रोटीन है ये आप देख रहे हैं ये लेमडा टू प्रोटीन है ये भी साठ कॉपीज़ होती हैं ये पूरी जो प्रोटीन है जिससे जो इसके एक्टिवेशन से क्या होता है कि जो वायरस का आर एन है वो इजीली जो होस्ट में चला जाता है है ना वायरस का आर एन होस्ट में चला जाता है इससे बाइंडिंग होती है वो वायरस का आर एन इसमें से होके होस्ट में चला जाता है तो रियो वायरस की जो ट्रॉपिज़म की मेकेनिज़्म है ये बहुत ही क्लासिक है इंडिविजुअल है ये मॉडल कभी आपको बनाने का हो तो आप बना सकते हैं और ये आता है तो यहाँ पर ये तो नहीं दिया है कि क्या वायरस का जो पार्टिकल है वो जाता है कि नहीं पर यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट आते हैं रेबीज इज़ अ मॉडल ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ वायरल विलेंस डिटर्जनेंट विद द होस्ट एंड इकोलॉजिकल डिटर्जनेंट तो अब फाइनली हम रेवीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो रेबीज़ के केस में क्या हुआ है कि फ्लोरिडा और वेस्ट वर्जीनिया में 1977 में इसका एपिडेमिक हुआ था इन वेकूंस है ना उस समय इसको ओल्ड रेबीज़ कहते थे तो ये रेबीज ऐसा नहीं है कि एक आध दो होस्ट इसके एक्चुअल में इसके ये एक इनवेरियंट वायरस है और इसके सेट ऑफ तो डिफरेंट वेरिएंट्स होने के कारण और जिनोटाइप होने के कारण ये डिफरेंट टाइप के रिजर्व होस्ट में रहता है तो रिज़र्वायर होस्ट वो होते हैं जिनको ख़ुद को कोई डिसीज़ नहीं होती है लेकिन ये वायरस को कैरी करते हैं तो ऐसा जैसा ये देखा गया कि नॉर्थ अमेरिका में कुछ टेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जैसे बैट वगैरह भी इसमें शामिल है तो बैट्स में ये डिसीज़ का वायरस मिला है फिर इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल और यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ सेंट्रल कनाडा में स्कंक में मिला है साउथ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट में भी स्कंक में मिला है फिर आर्कटिक फॉक्स में और रेड फॉक्स में अलास्का में और कनाडा में मिला है ग्रे फॉक्स में एरिजोना और वेस्टर्न टेक्सास में मिला है इसके बाद कोयोट्स में मिला है साउथर्न टेक्सास में और नॉर्थन मैक्सिको में और उसके बाद में रेकून्स में मिला है उस समय कहते थे क्योंकि रेकून्स क्या है बाइटिंग करते हैं ना रेकून्स बाइट, रेकून्स बाइट रेकून्स बाइट ऐसे करके कहा जाता था तो धीरे धीरे अब ये जो रेबीज़ वायरस है ये इन रिजर्वायर होस्ट से होता हुआ नॉर्मल जो हमारे डॉग्स हैं और ह्यूमन लाइफ में भी अभी शामिल हो गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा जेनोटिपिक वेरिएशंस हैं और इन होने के कारण ये इजिली जो है ट्रांसमिट हो रहा है तो होप ये वीडियो ख़त्म करता हूँ ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट हो चुका है the chapter uh, was the determinants of viral virulence and host resistance and susceptibility तो इसमें ये different type का uh, virus के virulence के बारे में बताया गया और host का defense mechanism कैसा है वो बताया गया तो I think uh, ये आपको video पसंद आया होगा thanks for watching